हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने के लिए कर रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, दिमाग में। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ वो फील कर पा रहे हैं। इस वक्त हमारे जो व्यूअर हैं, उनके पार्टनर जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनके फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर की। द फूल एरीज एनर्जी है, हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या आप खुद भी हो सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैगिटेरियस, द डेविल कैप्रिकॉन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड जो आखिरी कार्ड है वो है जजमेंट, लीब्रा। ओके, एंड बॉटम डेक में फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है वो फील कुछ और कर रहे हैं और शो कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो इस पर्सन के मन में आपके लिए हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन है। सब बहुत ही अट्रैक्टेड है ये पर्सन, एंड एक हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है। बट वो पैशन, वो अट्रैक्शन ये पर्सन शो नहीं कर रहे, ठीक है। वो ऐसा आपको शो कर रहे हैं मानो उनका ध्यान नहीं है आप पे, वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लाइफ में बाकी चीज़ें हैं, आप उतना मायने नहीं रखते हो। तो ये पर्सन शो कुछ और कर रहे हैं लेकिन रियलिटी में फील कुछ और कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अब एक एक करके मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन क्या कुछ फील कर रहा है। पहली चीज़ तो ये पर्सन, मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में एक नई बिगनिंग चाहते हैं। इस कनेक्शन में जो एक रुकावट आ गई है, सब चीज़ें जो रुक गई है, उसमें वो पर्सन चाहते हैं कि एक आगे बढ़े चीज़ें और यूनिवर्स मौका दे, कुछ मैजिक हो जाए, चीज़ें उनके फेवर में होने लगे। तो ये चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। भले ही वो आप पे ध्यान ना देने का नाटक कर रहे हो लेकिन ये पर्सन का पूरा ध्यान है आप पे। उनका, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, उनके दिमाग में आप चलते रहते हो, उनके आँखों के सामने आप चलते रहते हो। तो ये पर्सन भले ही आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि मेरा तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं है या मैं आगे बढ़ गया हूँ या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये पर्सन आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपके साथ रिश्ते में जो रुकावट आ गई है उसको बंद कर देना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है, ये पर्सन ना जानबूझ के आपको तड़पा रहे हैं, जानबूझ के आपको बहुत वेट करा रहे हैं, ठीक है। मे बी काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी समय हो गया कि ये पर्सन ने कोई मैसेज या कॉल आपको नहीं किया है या मिलने नहीं आए आपसे, या एक जो आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे इस पर्सन से वो इस पर्सन ने नहीं किया है। बट ये सब उन्होंने जानबूझ के ही किया है, ठीक है। उसके पीछे उनका इंटेंशन था आपको आपका पेशेंस टेस्ट करना, आपको वेट करवाना, आपके मन में खुद के लिए और ज़्यादा फीलिंग्स भरना, ठीक है। तो ये पर्सन वैसे भी काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है और बट ये जानबूझ के और ज़्यादा धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत एक कोल्ड, इनका एटीट्यूड बहुत ही कोल्ड है, ठीक है, इस वक्त। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन मे बी ये बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं आपको, ठीक है। या तो अभी काफ़ी लोगों को ये पर्सन बार बार ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन, मुझे लगता है कि ये जितने गेम्स खेल रहे हैं ना आपके साथ, जो माइंड गेम्स ये पर्सन खेल रहे हैं, उससे उनको भी तकलीफ़ हो रही है, उससे वही वो खुद भी अफेक्ट हो रहे हैं, उनका भी दिल टूट रहा है, वो भी अकेले पड़ गए हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं।
बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो आपका अटेंशन पा सकते हैं, ठीक है, या आपके मन में उनके लिए आप उनके पीछे भागने लगोगे या उनको चेज करने लगोगे, ये उनकी गलत फहमी है। आप उनको ऐसा लगता है कि आप अगर वो आपको इग्नोर करेंगे तो आपका ध्यान उन पे जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन खुद भी बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, कभी बार बार अपना डीपी लगा देते हैं, निकाल लेते हैं, कभी स्टेटस लगा देते हैं, निकाल लेते हैं, कभी कुछ स्टोरी डाल दी वो डिलीट कर दी, कभी आपका नंबर सेव कर लिया डिलीट कर दिया, तो कुछ तो ऐसे स्नीकी से बिहेवियर ये पर्सन कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन हर पैंतरे आजमा के देखे लेकिन आपका अटेंशन नहीं पाया इसने, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर है आपने, मैं एक काम करती हूँ, लेट मी डू वन थिंग, अब मैं हर कार्ड को, मतलब इनके जो भी इमोशंस है ना, आपके लिए एक एक कार्ड निकालती हूँ कि उसके ऊपर आपके इमोशंस क्या है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। अब जो भी कार्ड मैं क्लैरिफायर के तौर पे निकाल रही हूँ वो क्लैरिफायर नहीं होंगे, वो आपके फीलिंग्स होंगे, ठीक है, मतलब वो जो कर रहे हैं उसका आप पे क्या असर हो रहा है वो देखते हैं। फुल एनर्जी क्यों है, मतलब एक क्लियर डीप एनालिसिस हो जाएगी रीडिंग की। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, द लवर्स, जेमिनाई, प्रिंसेस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स को के साथ जो कार्ड आया है, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए है द हर्मिट, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए है सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के लिए है थ्री ऑफ कप्स, एंड जजमेंट के लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम डेक में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन आप पे अटेंशन नहीं दे रहे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, राइट, बट मुझे नहीं लगता कि उससे आपका मनोबल टूटा है या फिर आपने गिविन कर दिया या माफ़ी मांग ली या इस पर्सन से के सामने गिड़गिड़ाया। मुझे मेजॉरिटी ऑफ यू लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपने इनके इस बिहेवियर को जस्टिफाई किया है, ठीक है। आप भी, मुझे लगता है कि अपने ही टशन में हो, आप भी अपना स्टैंड लेके बैठे हो, आप बिल्कुल अपने जगह से हिल नहीं रहे हो, आप अपने माइंड फिक्स कर लिया है, आपको कुछ इस पर्सन के इस बिहेवियर का गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, कि ये आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन आप अपना स्टैंड पूरी तरह से स्ट्रांगली लेके बैठे हो। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन जानबूझ के आपके पास आने के लिए टाइम लगा रहा है, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत प्यार करते हो उनसे, और इससे मुझे लगता है कि आपके प्यार में या आपके फीलिंग्स में कोई असर नहीं पड़ा है, ठीक है। भले ही आप गुस्सा हो, भले ही आप नाराज़ हो, भले आप डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन प्यार की कमी दोनों के साइड से बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वो पर्सन और 3-4 महीनों बाद भी आएंगे या 1 साल बाद भी आएंगे तो भी आपका प्यार कम नहीं होने वाला है, क्योंकि एक डिवाइन कनेक्शन है। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम या सोल मेट से डील कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ, ये पर्सन इसलिए भी आप टाइम लगा रहे हैं क्योंकि आपके प्यार को टेस्ट कर रहे हैं, आपके कमिटमेंट को, कि आप कितना लॉयल रह सकते हो। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रही है कि ये पर्सन मैंने आपको बोला कि बार बार ब्लॉक करते होंगे या अपनी डीपी हटा देना या कोई फ़ोटो लगा देनी फिर वो निकाल देनी, तो ये क्यों कर रहा है? आपका टेंशन पाने के लिए, ठीक है। और क्योंकि उनको पता है कि आपने जितना प्यार इस पर्सन को दिया है उतना प्यार इनको कहीं से नहीं मिलेगा, ये पर्सन जान चुके हैं, दे नो इट, ठीक है। उन्हें पता है कि आप जैसा प्यार इस पर्सन को और कोई नहीं कर सकता, तो ये पर्सन आपके इमोशंस को, आपके सॉफ्ट कॉर्नर को, मे बी आप काफ़ी इमोशनल हो अभी जो आप गुस्से में हो या अपना स्टैंड लेके बैठे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने इंटेग्रिटी को बचा रहे हो, वो काफ़ी इस पर्सन के परेशान होने के बाद वाला आपका एटीट्यूड है। लेकिन आप हाल लाइक इनसाइड ऑफ यू आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है। भले ही आप अभी स्ट्रांग दिखा रहे हो ऊपर से, लेकिन अंदर आप बहुत इमोशनल हो, और ये पर्सन वो जानते हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि थोड़ा सा आपको परेशान किया तो आप बिगड़ जाओगे, और यही आप नहीं कर रहे हो, आप अकेले में रो रहे हो, आप अकेले में मिस कर रहे हो, लेकिन आप सामने नहीं दिखा रहे हो उस पर्सन को कि आप गुस्सा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनके इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत अटैचमेंट है, सॉलिड, मतलब आप दोनों, मैं बात बोलूँ आपको, आप दोनों को डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, ना वो आपके बिना रह पाते हैं ना आप उनके बिना रह पाते हो, और ये अटैचमेंट थोड़ी सी टॉक्सिक भी है, मतलब आप दोनों एक बहुत टॉक्सिकली अटैच्ड हो एक दूसरे से, और सेक्सुअल अट्रैक्शन भी, पैशन एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा है इस वक्त। एंड
आपके साइड में भी ऐसा ही है. मे बी ये पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी कंट्रोलिंग है, लेकिन आप भी मतलब आप इतने स्ट्रांग बने हो इस वक्त कि आप पे किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ रहा है इस पर्सन के. ठीक है, आप दोनों इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड हो एक दूसरे से, लेकिन उसका असर किसी पे भी नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, दूसरी चीज़ तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये दूर दूर रहेंगे, बात नहीं करेंगे, तो यूनिवर्सल एक यू नो भगवान पे छोड़ दिया इन्होंने कि जो नसीब में होगा, जो होना होगा वही होगा. और ये चाहते हैं चमत्कार हो कि यू नो बिना कुछ किए ही आप उनके लाइफ में चले जाओ और सब कुछ एकदम ठीक हो जाए. तो अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, तो आप भी नहीं ले रहे हो. ठीक है, आप भी अपने यू नो अपने सेफ स्पेस में हो, आप भी अपना वक्त अपने साथ बिता रहे हो और हैप्पी रह रहे हो या रहने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ. दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके याद मतलब जो एक अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है, जो बातें हुई है, जो प्यार आप दोनों ने शेयर किया है, जो प्यार भरी बातें हुई है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस टाइम को मिस कर रहे हैं और हर्ट हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन आप खुद को बहुत संभाला है आपने, क्योंकि आप उन मेमोरीज़ के सहारे ही जी रहे हो. आप हैप्पी रह रहे हो उन मेमोरीज़ की वजह से, आप सैड नहीं हो. ठीक है, और यही अच्छी बात है कि आप सैड नहीं हो रहे हो. यही करना है आपको, खुश रहोगे तभी चीज़ें बेटर होंगी. ठीक है, और आपके पर्सन तो मुझे लगता है कि जितना आपसे माइंड गेम्स खेल रहे हैं, जितना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उतना ही उनके दिल पे वार हो रहे हैं और उतना ही इनका दिल टूट रहा है. ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सम ऑफ़ यू, कि आप ऑलरेडी मैरिड हो. ठीक है, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है या उनकी शादी हो चुकी है, तो इस पर्सन को एक फेलियर वाली एनर्जी भी है कि भाई ज़्यादा आगे या फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का, क्योंकि उसके लाइफ में ऑलरेडी उसका पति है या पत्नी है, या आपको लगता है कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी पति है या पत्नी है, या उनको लगता है कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी यू नो मेरी फैमिली है. तो ये एक है. और दूसरी चीज़ बहुत लोगों के लिए, ये मैंने कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज बोला, और बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी कि इस पर्सन को लगता है कि अब आपके लाइफ में एंटर करना या आपको मनाना या आपका प्यार जीतना या आपके साथ एक अच्छे टर्म पे आना मुश्किल है, फेलियर सा लगने लगा इस पर्सन को. क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि मैंने इतना प्यार किया या इस पर्सन ने मुझसे इतना प्यार किया, लेकिन इसका अभी कोई भी आउटपुट नहीं है. ठीक है, अभी शायद ये पर्सन मुझे ट्रस्ट नहीं करेगा या शायद ये मेरे पास वापस नहीं आएगा. तो ये फेलियर वाली एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और इसलिए भी ये ज़्यादा कुछ एफर्ट्स अपने साइड से अभी तक इस पर्सन ने डाले नहीं है, क्योंकि उनको रिजेक्शन का, फेलियर का डर है. ठीक है, इनके कुछ मुझे लगता है फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे हैं, या तो करियर में कुछ बन नहीं पाए हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सैड है, या फाइनेंसेस उनके कुछ ठीक नहीं है इस वक्त. और आपका देखा जाए तो मुझे लगता है आप अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, और आपको हैप्पी देख के इस पर्सन को लगने लगा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, और वो और ज़्यादा मायूस हो रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन ने तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको गॉड गिफ्ट मानते हैं. लिटरली इस पर्सन को लगता है कि जैसे गॉड ने दिया हुआ, भेजा हुआ एंजल हो आप. ठीक है, फिर भी आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेलते आए हैं और खेल भी रहे हैं. बट ये पर्सन ने मुझे लगता है कि बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भगवान से आपको मांग रहे हैं. एंड आपका देखा जाए तो आप अपना, आपको पता है कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैंने अपना 100% दिया है, तो मेरा कहीं झुकने का या कुछ करने का सवाल ही नहीं उठता. आपका माइंडसेट ऐसा है कि भाई मैंने तो अपना सब कुछ दिया है, 100% दिया है, एंड आई एम वेरी यू नो आप बहुत प्राउड फील कर रहे हो अपने आप पे, इसलिए आप खुश हो, क्योंकि आपने कोई गलतियां नहीं की, आप दिल से निभाए हो और दिल से ही आप. तो अभी अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड अपनी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या एटलीस्ट अपने ऊपर फोकस आपका आया है, क्योंकि इतना कुछ सहा है आपने. ठीक है, एंड जो ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो ये पर्सन के लाइफ में मुझे लगता है कि हर तरफ से इनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है. जैसे ही इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, या बात करना बंद कर दिया, या आपको चीट किया, या जो भी किया, आपकी सिचुएशन जो भी है, जनरल रीडिंग है क्योंकि, तो बहुत लोगों की एनर्जी होगी, तो इनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स एक एक आना शुरू हो गए. इनके फ्रेंड्स के साथ झगड़े होने लगे, इनके घर पे झगड़े होने लगे, इनके वर्क स्पेस में प्रॉब्लम्स होने लगे. तो और आपका देखा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होगी मे बी, कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है. आपको ये स्पिरिचुअल अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है या ऑलरेडी हो चुकी है,
या आप उतने अवेकन हो तो आप अगर कनेक्ट कर पाते हो इस पर्सन से, तो आपको पता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, फिर भी गुरूर है, फिर भी ईगो है, फिर भी रुके हुए हैं और आपको भी वेट करवा रहे हैं, तो आप इस पार से उनको देख रहे हो, यू नो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, बट इस पर्सन ने ही दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, राइट? तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए अभी आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए। एक एंजल गाइडेंस भी देखेंगे हम लास्ट में, इनर वॉइस, आपके दिल की आवाज़, आपके अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपके अंदर जो इंट्यूशन, आपका विजडम, आपका इंट्यूशन जो आपको बता रहा है वही सही है। अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि वेट करो तो वेट करो, अगर आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि नहीं ये सही नहीं है सिचुएशन, तो निकल लो, ठीक है। नेक्स्ट एडवाइस है आपके लिए कंपैरिजन, तो हो सकता है आप कुछ कंपैरिजन कर रहे हो, या तो किसी और के साथ इस पर्सन का या आपके रिश्ते का कंपैरिजन कर रहे हो, या तो ये पर्सन कैसे थे और अब कैसे हो गए इस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन मत करो, सिचुएशन बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, तो आपको कंपेयर कभी भी नहीं करना, ना किसी को किसी के साथ, ना किसी को किसी सिचुएशन से, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत, मतलब आप ये जो काम एंड कलेक्टेड अपना ऑरा दिखा रहे हो ना, आप वैसे मूड में नहीं हो, आप बहुत सोच रहे हो, बहुत घिचपिट चल रही है आपके दिमाग में, तो उससे बाहर निकलिए, ठीक है। अपने आप को शांत करिए, ग्राउंडेड करिए, क्योंकि एंड में आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, आप जो चाहते हो वो होगा, और मैंने हर वीडियो में यही बोला है ओवर एंड ओवर, जैसा आप सोचते हो वैसा ही होगा, तो गलत एनर्जी मत दो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, ग्राउंडेड रहो, अपने साथ खुश रहो, सब कुछ ठीक होगा। एक एंजल एडवाइस या गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं, जो भी सिचुएशन में आप हो या जो क्वेश्चन है आपके मन में उसको लेकर गाइडेंस, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ट्रस्ट, भरोसा रखना है, मैंने अभी क्या बोला, ट्रस्ट करोगे, भरोसा रखोगे तो चीज़ें ठीक होंगी, सिर्फ इस पर्सन पे या इस रिश्ते पे नहीं, अपने आप पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, ठीक है। तो अगर आप ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे, कमेंट्स में ज़रूर लिखना येस आई ट्रस्ट यूनिवर्स, सो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। चलिए अभी आपके लिए लास्ट लव मैसेजेस, एंड लेट्स सी क्या लव मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। ऐसा लगता है तुम मेरी सोलमेट हो, तो इस पर्सन को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, दुनिया के लिए हम दूर है पर हमारे लिए नहीं, अकेलेपन में तुम और याद आते हो, टॉल तो मे बी लंबे हैं हाइट में, मैं भी खुश नहीं हूँ, तड़प रहा हूँ पर दिखाता नहीं, बोला मैंने आपको ये पर्सन ही दिखा रहे आपको, धीरे धीरे अब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है कमेंट्स में ज़रूर बताना, इन कमेंट्स में ये लाइन ज़रूर लिखना, आई ट्रस्ट यूनिवर्स फुल्ली, ठीक है। सो या दैट वॉज इट, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मिलते हैं अगली वीडियो में। और सुबह का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया किसी भी वजह से, आई नो दिवाली आप बिजी होंगे, तो सुबह का वीडियो का लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगी कमेंट्स में, ज़रूर वो वीडियो इसके बाद देखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी दिवाली।